हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे एपेक्स लेजेंड्स के मैप के बारे में। सो एपेक्स लेजेंड्स में अभी तो एक ही मैप है एंड इस मैप का नाम है किंग्स कैनियन। बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है किंग्स लैंडिंग से, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का मैप बन सकता है। एंड या सो किंग्स कैनियन इसका नाम है एंड इट्स वेरी स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल, इट्स अराउंड 2 किलोमीटर्स बिग एंड यू कैन रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन नो टाइम। पबजी की तरह नहीं कि आपको गाड़ी चाहिए, आपको व्हीकल चाहिए, कोई जोन बहुत दूर कट गया है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसमें। एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इन द गेम। और इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए आप बलून्स ले सकते हो, रोप्स ले सकते हो। देयर डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस मैप जहाँ पे आप ड्रॉप करोगे, डिफरेंट हिसाब की लूट होगी। एंड द मेन थिंग ऑफ दिस मैप इज लूट स्पॉन हर बार चेंज होता रहता है एंड आपको पता रहता है उसके बारे में। क्या आपको पता था ये कि पबजी में या किसी और बैटल रॉयल में लूट स्पॉन चेंज होगा और आपको उसके बारे में पता होगा? आई डोंट थिंक सो, राइट? मुझे भी नहीं पता था। सो इसमें क्या है, व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, जब आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दिखता है एक ब्लू सर्कल। वो ब्लू सर्कल क्या होता है, दैट इज द हॉट जोन। उस हॉट जोन में यू गेट अ फुल गोल्ड किटेड वेपन, गोल्डन वेपन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें एवरीथिंग विल बी अटैच्ड, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इनसाइड द वेपन एंड आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट इनसाइड द ब्लू जोन। और साथ में आपको कोई एक गोल्डन शील्ड या तो आर्मर या तो हेलमेट मिल सकता है, बैकपैक मिल सकता है, जिनकी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। एंड इसके बारे में हम आप बताते हैं, जैसे गोल्डन बैकपैक की एबिलिटी है फास्ट हील एंड गोल्डन नॉकडाउन शील्ड की एबिलिटी है सेल्फ रेजरेक्ट। अगर आप नॉकआउट हो जाते हो, नॉकडाउन हो जाते हो, तो आपको किसी टीममेट की जरूरत नहीं होगी रिवाइव होने के लिए। यू कैन जस्ट प्रेस ई एंड देन रिवाइव योर सेल्फ। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग, लिटरली आई लव दिस। एंड इसमें क्या होता है, सप्लाई ड्रॉप्स, लाइफलाइन, एक कैरेक्टर है जो कि वो मंगा सकती है खुद। एंड गेम के ड्रॉप्स होते हैं, जैसे पबजी में एयर ड्रॉप्स होते हैं, इसमें भी सप्लाई ड्रॉप्स होते हैं। मैप में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि कहाँ पे ड्रॉप होने वाला है एंड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और अगर आपको दिख रहा है दूर से कि कोई ब्लू लाइट जल रही है, तो मतलब वो एक गेम का ड्रॉप है जिसको अभी तक किसी ने लूटा नहीं है। तो आप जाके वहां से एक गोल्डन वेपन या कोई गोल्डन आर्मर शील्ड कुछ भी मिल सकता है, आप उठा सकते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज थिंग्स इन अ फाइट विच गिव्स यू एन एडवांटेज फ्रॉम योर एनिमीज। आप पे एक स्लाइट एडवांटेज रहेगा आपके एनिमीज से एंड यू कैन विन द फाइट फ्रॉम दैट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ किंग्स कैनियन एंड देर आर लॉट ऑफ अदर जोन्स लाइक हाई टियर लूट जोन्स लाइक आर्टिलरी, लाइक थंडर डोम। दीज आर हाई टियर लूट जोन्स एंड दीज ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ड्रॉप और द प्लेन पाथ। ओके, सो देयर इज वन मोर थिंग, सप्लाई शिप। ओके, सो इसमें क्या है कि सप्लाई ड्रॉप तो है ही, लूट ड्रॉप तो है ही। यू गेट अ सप्लाई शिप जिसमें फुल्ली लोडेड गन्स, आर्मर्स, अटैचमेंट्स, एवरीथिंग विल बी देयर। यू जस्ट हैव टू क्लाइंब, यू जस्ट हैव टू गो इन दैट एरिया एंड आपको सप्लाई शिप पे जाना है। तो सप्लाई शिप पे बहुत फाइट होती है, हॉट जोन पे बहुत फाइट होती है, सप्लाई ड्रॉप पे बहुत फाइट होती है एंड इससे गेम में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, गेम में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आता है एंड यू डोंट गेट टू बोर, लाइक आप बोर नहीं होते हो इस गेम से। और जब आप बोर नहीं होते हो तो यू टेंड टू एंजॉय दिस गेम अलॉट मोर। एक खास बात इस गेम की ये है, इस मैप की ये है कि इसमें रीस्पॉन बीकन्स हैं। अगर आप मैप खोलोगे तो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे होंगे आपको एंड जो ग्रीन डॉट्स हैं दैट इज नथिंग बट रीस्पॉन बीकन्स। और ये जो रीस्पॉन बीकन्स हैं ये क्या करती हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप कोई और बैटल रॉयल गेम खेल रहे हो तो उसमें एक बार अगर आप मर गए यू कैन नेवर कम बैक, बट इन किंग्स कैनियन एंड एपेक्स लेजेंड्स यू कैन कम बैक, यू कैन गेट रिवाइव्ड। ठीक है, ऑल योर टीममेट हैज टू डू, आपके जो टीममेट है उसको सिर्फ यही करना है, आपका बीकन आपके लूट बॉक्स से लेना है इन 60 सेकेंड्स ऑफ यू डाइंग।
जब आप मरते हो, जब आपको कोई एनिमी मार देता है, तो इन 60 सेकेंड्स आपके बैनर को रिकवर करना होता है आपके टीममेट ने, एंड जब वो बैनर रिकवर हो जाता है तो उसको रिस्पॉन बीकन पे डिलीवर करना होता है। तो कोई भी क्लोजेस्ट रिस्पॉन बीकन पे जाके आपका टीममेट आपको रिकवर कर सकता है, आपको वापस बुला सकता है मैप में। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, आप गेम के बाहर नहीं गए। अगर आपको लास्ट के सर्कल में भी रिवाइव कर दिया, रिकवर कर दिया, तो यू आर इनसाइड द गेम एंड यू कैन नॉट लूज, यू कैन नॉट लूज होप। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम, आई लव इट। दिस गेम हैज अ पिंग सिस्टम। पिंग सिस्टम क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ लूट रहे हो, कोई भी चीज़ अटैचमेंट से, कोई गन गिरी हुई है, कोई बॉडी शील्ड है, कुछ भी गिरा हुआ है, यू कैन जस्ट मार्क इट, पिंग इट, एंड आपके जितने भी टीममेट्स हैं दे कैन पुट अ डिप, मतलब डिप इन द सेंस दे कैन पुट अ मार्कर आपके पिंग पे, एंड यू विल नॉट लूज दैट अटैचमेंट एंड यू कैन ईजिली फाइंड दैट अटैचमेंट उस घर में या उस एरिया पे जहाँ पे भी आपने उस अटैचमेंट पे पिंग लगाया था। तो दिस इज अ गुड पार्ट अबाउट लूटिंग इन दिस गेम एंड इट मेक्स द गेम अ लॉट ईजियर एंड यू कैन फोकस ऑन एनिमीज मोर देन योर लूट। सो या इफ माई प्ले स्टाइल, अगर मेरा प्ले स्टाइल अग्रेसिव हो गया इस गेम में एंड मैं फोकस पर कर पा रहा हूँ एनिमीज पे, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पिंग सिस्टम मेन थिंग, बिकॉज आई डोंट हैव टू फोकस ऑन द लूट मोर देन द एनिमीज। सो आई थिंक दिस इज इट एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए अलविदा।